साउथ इंडियन डिश की बात करें तो डोसा की बात सबसे पहले आती है, लेकिन डोसा बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने इंस्टेंट डोसा की रेसिपी लेकर के आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल आपको ये बाजार के जैसा स्टाइल में मिलेगा और खाने में सेम टू सेम वैसा ही लगेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मेरे चैनल एवरग्रीन मसाला पे आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैं इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी और उसके बाद लिया है आधा कप दही। तो यही दोनों चीज मिला करके हम आज का जो है डोसा बनाएंगे और इसको बनाने में आपको मात्र 10 से 15 मिनट ही लगेगा। तो कोई भी एक बड़ा सा बर्तन ले लें जहाँ पे आपको ये बैटर रेडी करना है। तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में सूजी डाल दिया और फिर हमने जो आधा कप दही लिया है वो मिला देते हैं। घर का दही है, आप कोई भी दही यूज कर सकते हैं। और इसका थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें एक अच्छा बैटर रेडी करना है, जैसा कि बाजार में आपको दिखता होगा जो डोसा का बैटर होता है, सेम वैसे कंसिस्टेंसी में इसको बनाना है। काफ़ी अच्छे से थोड़ा पानी डालते हुए जो है हम एक बैटर रेडी करेंगे। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालें, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक पतला घोल रेडी करेंगे। और फिर इसको यहाँ पर हम रखेंगे 10 से 15 मिनट, आप छोड़ दीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से सूजी फूल जाएगा। तो 10-15 मिनट बाद हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा पानी डाल करके इसको और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी पतला कर लेते हैं डोसा के हिसाब से। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम मिक्स करेंगे लगभग 2 पिंच के आसपास बेकिंग सोडा, जिससे बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा वो और डोसा हमारा परफेक्ट स्वाद में आएगा। और नमक स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा रख दे और इस सभी को डाल करके काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। बस परफेक्ट डोसा के जो बैटर है हमारा रेडी हो चुका है इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपका ये इंस्टेंट डोसा का बैटर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं बनाने के लिए। तो कोई भी एक तवा ले ले, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ नॉनस्टिक का तवा और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, मतलब काफ़ी अच्छे से तवा को गर्म करने के बाद पानी छीटा डालते हैं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और डोसा हमारा जलता नहीं है। और उसका डोसा का बैटर लेकर के इस तरह से हम गोल गोल घुमा करके इसको बनाना है। यहाँ पे मैं छोटा साइज बना रही हूँ, आपको इसी को बड़ा करना है तो थोड़ा बैटर ज़्यादा करके काफ़ी अच्छे से इसको बड़ा कर सकते हैं, फैला सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं और फिर वेट करते हैं एक साइड सीखने का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से, ये देखिए वाओ, बहुत ही बढ़िया इसका कलर जो है आ चुका है हमारा डोसा का। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बाजार जैसा। सेम ऐसा ही हम बहुत सारा डोसा आप चाहे तो बना सकते हैं। इसी तरह का मैं एक दूसरा बना करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वाओ, कितने अच्छे से, मैं थोड़ा बड़ा साइज बना रही हूँ, बढ़िया से फैल चुका है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और एक साइड सिकने दें। ये देखिए दोस्तों वाओ, कितना मस्त, जिसको बोलते हैं ना परफेक्ट जो डोसा होता है, बिल्कुल जैसा आटा और चावल का बनाते हैं, जैसे दाल और चावल का बनाते हैं, सेम वैसा ही बनता है और स्वाद भी उससे बढ़िया आता है। इस तरह से दोस्तों आप भी अपने घर पर इंस्टेंट सूजी का डोसा बना करके रेडी कर सकते हैं। मैं आपको इसको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये परफेक्ट सॉफ्ट बना है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। ये देखिए, इसको आप नारियल की चटनी के साथ सर्व कीजिए, सांभर के साथ सर्व कीजिए। सांभर नारियल की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलती हूँ फिर से एक ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।